बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पांचवी रोज़े की सहरी है। आज मैं आपको आमलेट और पराठा बनाने की तरकीब बताती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा होगा। खाने में आपका दिल करेगा खाते जाओ। और ये जो आमलेट है ये स्पेशल है, आप ये आज बना के खाएंगे तो आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। मैं आपको बताती हूँ, 3 अंडे, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें, छोटा सा ब्रांच धनिया का, 1 सब्ज़ प्याज का ब्रांच थी, ये ज़ीरा है, ये सूखा धनिया है, ये हल्दी है, ये कुटी लाल मिर्च है, ये नमक है, ये दूध है। जब भी आप ये आमलेट बनाने लगें और ये मटेरियल इसमें डालने लगें, तो सबसे पहले आपने 2 चम्मच दूध डालना है, ये 2 चम्मच, ठीक है। इससे ये होता है कि जब हम कोई चीज़ इसमें डालते हैं तो ये इसमें घुल जाती है। अब ये 3 अंडों के लिए तकरीबन 1 टीस्पून ही समझ लें आप, और ये 1 टीस्पून मिर्च, कुट्टी मिर्च, ठीक है, और आधी से क्वार्टर हल्दी मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी। ये सूखा धनिया है, सूखा धनिया भी मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो 1 टीस्पून भर के है। ज़ीरा भी मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये भी 1 टीस्पून भर के है। और ये पूरा इसमें जाएगा उसके हरा प्याज, जिसे पंजाबी में कहते हैं पुंका वाला प्याज, ठीक है। मैं भी दरअसल पंजाब से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे पंजाबी भी बोलना अच्छी लगती है, लेकिन जो रिस्पेक्ट उर्दू में है वो पंजाबी में नहीं मिलती, इसलिए मैं उर्दू बोल। और ये ब्रांच इसकी धनिया की, ठीक है। और इसके बाद ये 2 तकरीबन इसकी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, अगर तीखी है तो 1 डाल लें, अगर नहीं है तो आप 2 डालें। और ये इधर मैंने साइज का टमाटर, जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे, ये ठीक है। अब इनको मैं मिक्स करती हूँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये दूध डालने से ये यकजान हो गया। अगर दूध ना डालते तो इसमें वो लम्स पड़ जाने थे, घुट जगह जगह पर उसके स्पॉट से दिखाई देने थे, ये देखें ये यकजान हो गया। अब हम इसमें अंडे डालते हैं, और अंडे डालने का तरीका ये है कि आपने इसको अलग-अलग डालना है, कहीं ऐसा ना हो, ज़ाहिर मौसम चेंज हो गया है तो ख़राब भी हो सकता है। ये 1, ये 2, और इस साइड पे मैंने तवा रख दिया हुआ गर्म करने के लिए, उतनी देर तक ये हमारा तैयार हो जाएगा बैटर। ये बहुत मज़े का बनता है, आप खाएंगे तो आप याद करेंगे, ठीक है। एक तरह से हो जाता है डालते हुए ना, तोड़ते हुए तो इसका कोई ना कोई छिलका आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको ये देखें, ये ऐसे इसको बीट कर लें, बहुत मज़े का बनता है ये, इसको अच्छी तरह बीट करना। आप जितना इसको बीट करेंगी उतना ये फ्लफी होगा, वैसे भी दूध डालने से फ्लफी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा बीट करोगे तो फिर ज़्यादा होगा मज़े का। चलें, अब हम डालते हैं घी डाल के, फिर आपसे मिलते हैं जी। ये मैंने बैटर बना के रख दिया है अंडे का। अब मैंने कहा कि चलो एक पेड़ा बना के पराठे का, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं ये। अगर छोटा पेड़ा होगा तो क्रिस्पी होगा, अगर बड़ा होगा तो भी क्रिस्पी होगा, लेकिन अगर आप छोटा पेड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखो ऐसे, अब जब इसको बेलूंगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैं इसको बेलते हुए दिखाने लगी हूँ, ये ऐसे बेल के ये इन साइडों से इसके किनारे करने हैं, और इस अंगूठे से इसके दरम्यान में इसको प्रेस करना है, ताकि ये मोटाई जो ना ये पतला हो जाए ऐसे। ये देखें ऐसा ऐसा, ये इन चीज़ों से ये चीज़ हो रही है, इन अंगूठे से ये हो रहा है, ठीक है। अब इनको दोनों साइड से खुशका लगा के आपने इधर रख देना है। अब इसको हल्के हाथ अपने इसको बेल लेना है, ठीक है। अब मिलते हैं इसको मुकम्मल जी। ये रोटी बेल गई है, अब इसमें घी डालना है, ठीक है, गर्मी आ गई तो सारा मेल्ट हो गया। ये ऊपर डाला ये, अब इसको गौर से आपने देखना है, गौर से देखें। अब इस पर सारा स्प्रेड कर दिया, सारा पिला के, ये खाने में बहुत मज़े का है, इसको आप चाय के साथ भी खाएं,
इसको आप सालन के साथ खाएं, इसको ऑमलेट से खाएं, अंडे से खाएं। अब इस हाथ से आपने इधर घी लगा हुआ था, इसके साथ खुशका नहीं पकड़ना, ये खुशका का हाथ है, इससे पकड़ना है, इसको इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना, छिड़क देना आपने ये ऐसे, ठीक है। इससे ये होगा कि इसमें और क्रिस्पीपन आएगा। अब क्या करना है आपने, इसमें दरमियान में यूँ होल करना है, ये देखें ये होल दिखाई दे रहा ना, इन दोनों फिंगरों और अंगूठों की वजह से इसको आपने ऐसे ऐसे इसको दबा लेना, फिर हल्के हाथ इन दोनों उंगलों से आपने इनको ऐसे ऐसे करते जाना है, ये दो उंगलों से ये ऐसे ये घुमाते जाएं और ये सुराख बड़ा होता जाएगा और ये रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये हो गया। अब इसको आपने पकड़ के यूं घुमाना है, इसको प्रेस करना, पतला करना है, ऐसे ऐसे ये अब ये हो गया बड़ा। अब आपने हाथों से ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ये गौर से आपने देखना है, ऐसे कर लिया। एक का मुंह इधर को करना है, ये ऐसे इसको दरमियान तक लेके आना है ये, ठीक है ये, और आधा यहाँ छोड़ के इसका हमने इधर किया था, इसका हमने इधर करना है ये ऐसे घुमाते जाओ, ये बन जाएगा एट, बन गया ना एट। अब इसको ऐसे ही आपने हाथों से उठाना है और ये जो दबी हुई चीज नीचे वाली इसके ऊपर आपने हल्के हाथ घी लगा देना है ये, और इसके ऊपर हल्का सा ये खुशक आटा डाल देना, इसको आपने ऐसे प्रेस कर देना है, प्रेस करके आपने इसके तकरीबन 2 मिनट के लिए आप इसको रख दें ताकि ये स्टे हो जाए इसका, ठीक है, ऐसे हल्के हाथ से ये तकरीबन 2 मिनट के बाद बेलने के काबिल हो जाएगा, तो फिर आप इसका पराठा बना सकते हैं। उतनी देर तक हम आमलेट का दिखाते हैं जी। अब ये पराठे के साथ आमलेट हो तो इसके साथ चाय साथ हो तो मज़ा दुबाला हो जाएगा, और चाय बनाने का भी मैं तरीका आप बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि लिप्टन चाय दम वाली कैसे बनती है। ये देखें इसका रेशो है 1 कप पानी का, ठीक है, और इसमें आपने 1.5 टीस्पून पत्ती की डालनी है, ठीक है, और इसमें 3 चम्मच चीनी के, अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा डालें, लेकिन मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। अब इसको हम बॉयल आने तक इसको देखते हैं, उतनी देर तक मैं बताती हूँ कि पराठा कैसे बनता है। ये देखें तवा मैंने जला दिया हुआ, अब इसको मैंने हल्के हाथ से पकड़ा, ये ऐसे प्रेस किया, उसको जैसे रोटी पहले बेली थी कि अंगूठों से इसके किनारे करने हैं और इसके साथ इसका दरमियान वाला हिस्सा करना है, ये ऐसे ये फिर दरमियान में अंगूठों से और ये किनारे इसके साथ ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे हल्के हाथ हाथ ये दरमियान में से जो मोटी चीज़ है ना इसको आपने प्रेस करके एक जैसा कर लेना है। अब हम इसको बेलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्के हाथ, ठीक है, थोड़ा सा खुशका लगाते हैं ताकि ये चपके ना साथ। ये देखें बहुत मज़े का ये बनता है, इसको आप चाय के साथ खाएं, इसको अंडे के साथ, ऑमलेट के साथ, आलू मेथी के साथ, पालक गोश्त के साथ, गोभी के साथ, बहुत मज़ा आता है खाने का इसका, इवन कि आप अचार से भी खा सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं, अगर घी पड़ा ऊपर तो आपने रोटी को कैसे डालने हैं, ये देखिए ये ऐसे, जब घी पड़ा हो तवे पे तो आपने रोटी ऐसे डालनी है, ये पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया ताकि जो घी है उसके ऊपर लग जाए और कोई साथ बैठा हो तो उसके ऊपर ये चपके ना, ये देखे। अब ये दम पे हल्की आंच पे ये पकेगी, इधर ये देखें ये पानी को बॉयल आने वाला है, ठीक है, ये मैंने 1 कप दूध का डाला था, 1.5 चम्मच पत्ती की और 3 चम्मच चाय के चीनी के, उसको बॉयल आने के लिए रख दिया था। इधर मैंने ये रोटी डाल दी है, इसके ऊपर अब ये डालेंगे घी साइडों पे, क्योंकि दरमियान में गहराई होती है तो खुद खुद ये आगे दरमियान में आ जाता है, ऐसे डाल के आपने ये आपने इसको उल्टा देना है इसी।
हल्के आग ताकि किसी पे गिरे ना। और आप इस अब आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है, क्योंकि जैसी आंच हल्की होगी तो ये क्रिस्पी बनता जाएगा। ये ऐसे ये देखें, ये देखें ये क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये इसकी लेयर सी लग रही है ये। अब इस पर थोड़ा सा अगर हम घी और डाल दें ना, जरा और क्रिस्पी सा बन जाएगा। ठीक है, साइडें होनी चाहिए। ये देखें, ये चाय पक रही है। अब ये ही पानी, दूध पानी वाला जो कप था ना, उसी का साइज का मैं ये डाल दिया। ये पक रही है, इसको हमने बॉय जब आएगा तो उसको हमने दम पे रख देना है। और इधर मैं रख रही हूँ, ये देखें ये तैयार हो गया, नीचे से भी ऊपर से भी। अगर आपका दिल करता है कि और क्रिस्पी हो तो इस पर आप घी डाल के और इसको क्रिस्पी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कि इतना ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो इसमें और डालें घी, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसी तवे पे, ये तवा गर्म हो गया हुआ ना, तो हमने तो बैटर तैयार कर लिया हुआ है, तो इसके दो आमलेट बनेंगे। ठीक है, ये देखें अब इसको हमने इस इधर डिश आउट कर दिया। अब इधर हमने ऑयल डाला और नीचे से हमने आँच ऐसा कर देनी है ताकि एकदम ना जले। ठीक है, और इसके अंदर हमने घी डाल दिया। अब इसको हल्के आँच से हमने इस पर डाल देना है, ताकि इसको हमने पीछे करते जाना, अंदर खिला देना है इसको। इसके ऊपर आप चीज़ के स्लाइस भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हमने ढक्कन देना है, ढक्कन देंगे ताकि ये फूल जाए। ये ढक्कन है, इसके ऊपर ये रख दें, इसकी हीट से ये अंदर से फ्लफी हो जाएगा, फूल जाएगा और पक भी जाएगा। उधर देखें, ये चाय तैयार हो रही है। ये जब इसको उबाल आएगा ना, बॉयल होगा, तो फिर हम इसका आँच आहिस्ता कर देंगे। ये चाय को बॉयल आ गया था, अब इसको मैं इसको ढक रही हूँ, और नीचे इस तरह की वो आग होनी चाहिए। जब तक मेरा आमलेट नहीं तैयार होता तब तक ये दम पे रहेगा। ये देखें, ये खुशक हो गया। अब इसको मैं हल्के हाथ पलटाती हूँ, ये देखें, ये देखें, इधर से ला के थोड़ा सा और सेक दे दूंगा। देखो कैसी लुक लग रही है इसकी, खूबसूरत है ना। अब इसको आपने ऐसे पलट देना है। ठीक है, अब ये जब वो करना है ना, तो आपने इस साइड पे खड़े होना है, मेरी इस साइड पे आपने खड़े होना है, कि आप जब डालेंगी जो छींटे पड़ेंगे वो इस साइड पे जाएंगी, जो इधर होगा उसके ऊपर छींटे पड़ेंगे, इसलिए आपने इस हाथ पे रहना है। ठीक है, ये देखिए अब ये पक गया है। अब मैं इसको उठा के इसके पराठे के ऊपर डालने लगी हूँ। ठीक है, और चूल्हा में बंद कर रही हूँ। अब इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि कोई थोड़ी बहुत ही कसर होगी अंडे की, तो वो पक जाएगा। इसको पराठे के ऊपर डालने के लिए ये प्लेट है, इसके ऊपर डाल के तो आपने यूँ पकड़ के तो ऐसे कर लेना है। ये देखो, अब आपका दिल करता है तो वो आप ऐसे खा लें, आपका दिल करता है तो आप इसको उठा के इस पर डाल लें। ठीक है, ये दोनों है चीज़ें, सोचें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये दम लग गया है, देखिए ये दम वाली चाय इतनी मज़े की होती है कि दिल करता है ये भी पीते जाए। आप कहती हैं कि ये आंटी हर दफ़ा यही कहती है, ये बहन यही कहती है, दिल करता खाते जाएं, दिल करता पीते जाएं। ये देखिए, दिल करता खाते जाएं, दिल करता पीते जाएं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चाय का मज़ा दुबाला कर देगी ये चाय। आज आप इस तरह की बनाएं और दुआओं में याद रखिएगा। ये लें, ये आज आपका आमलेट क्रिस्पी पराठा साथ चाय दम वाली। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप ये सारी को खाएं और इंजॉय करें, और मुझे अपनी बहन को, माँ को दुआ में याद रखिएगा। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है दुआओं की। तावन जी लाइक आए,
लाइक कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर अफियत रखे। आज खैर से पाँचवा रोज़े की सहरी है, अल्लाह ताला आगे भी खैर अफियत रखे, हिम्मत ताकत से इस्लाम की दे, और जो भी हम आबाद आप करते अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरी तरफ से दुआओं भरा, अस्सलामु अलैकुम।